हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक नया टॉपिक जो है राजा राम मोहन राय के बारे में बताने जा रहा हूँ, है ना। एक एक करके हम लोग एक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, के जीवनी के बारे में पढ़ते रहेंगे, है ना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ये हमारे देश जब पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था, हमारे ऊपर अंग्रेज जोर जुल्म कर रहे थे और हमारे संस्कृति को, सभ्यता को नीच कह रहे थे, है ना, सांस्कृतिक रूप से हमें गुलाम बनाना चाह रहे थे, उस समय राजा राम जैसे, मोहन राय जैसे व्यक्ति ने आकर के हमारे समाज को, संस्कृति को ऊपर उठाने का प्रयास किए, है ना। तो इनके बारे में जानना हमारा फर्ज है और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, है ना। तो राजा राम मोहन राय को जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है ये 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम राधा कांतो राव था। क्या नाम था? राधा कांतो राव। राजा राम मोहन राय के पिता क्या नाम था? राधा कांतो राव, है ना। और इनके माता का नाम था तैरनी देवी या उमा देवी। क्या नाम था? तैरनी देवी या उमा देवी, याद रखिएगा, है ना। और इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था जगमोहन, और इन्हीं की पत्नी थी जगतारिणी देवी, सॉरी अलका मंजरी। क्या नाम था? अलका मंजरी, है ना। तो उस अलका मंजरी, जब जगमोहन की मृत्यु हो गया था तो अलका मंजरी को शमशान ले जाकर के लोग सब पे सुलाए हुए थे। तो इनको पता चला राजा राम मोहन राय को, तो ये शमशान गए लेकिन अपने भाभी को बचा नहीं पाए। इसी समय इन्होंने यह तय किया कि अब हम एक भी महिला को सती नहीं होने देंगे, है ना, सती होने से महिला को हम बचाएंगे, ठीक है। क्योंकि अलका मंजरी से राजा राम मोहन राय बहुत ही, उनका दोनों का लगाव था। उसके बाद ये, इनको समझिए, कोई भी व्यक्ति एक दिन में ही महान नहीं बन जाता है, है ना। बचपन की कुछ ऐसी घटनाएं होती है या किसी ना किसी उम्र में उनको कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, जिन शिक्षा पे चल कर के ही व्यक्ति महान बनते हैं, है ना। तो राजा राम मोहन राय की अगर अवस्था देखा जाए तो 16 वर्ष के उम्र में ही इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया था, है ना। राजा राम मोहन राय 16 वर्ष की उम्र में ही मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया था। और ये कहते थे कि मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होगा, जो जीवित व्यक्ति है, जीवित आत्मा है, उसकी पूजा करो, उसकी सेवा करो, है ना। फिर इससे आहत होकर के इनके पिता जो है इनको समझाते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन ये मानते नहीं हैं। आस पड़ोस राजा राम मोहन राय के पिता को क्या देता है? ताना देता है। ताना देता है, कहता है कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा जो पुत्र है वो क्या हो गया? बर्बाद हो गया है, बेकार हो गया है, निठल्ला हो गया है। तुम कैसा पुत्र पैदा कर लिए, है ना, नालायक बेटा को तुमने पैदा कर लिया है। तो राजा राम मोहन राय को क्या बना दिया? लोग नालायक तक बना दिया, है ना, कि नालायक बेटा का पैदा कर लिया तू। उसके पिता गांव के ताना बाना से, समाज के ताना बाना से तंग आकर के राजा राम मोहन राय को क्या किए? घर से भगा दिए कि या तो तुम मूर्ति पूजा का विरोध करना बंद करो, नहीं तो घर छोड़ के भागो, है ना। और इनकी जब ये भाग गए तो भाग करके कहाँ गए? ये भाग करके चले गए नेपाल, ठीक है। भागते 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 कहाँ पहुँच गए? नेपाल पहुँच गए राजा राम मोहन राय। और नेपाल में आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का केंद्र है, है ना, बौद्ध धर्म का केंद्र है। और वहाँ पे जा करके इन्होंने बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण किया। बौद्ध धर्म अपनाए नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण किया। इनके अंदर और विस्फोट हो गया, है ना, यानी कि इनका ज्ञान जो है और ज़्यादा विस्तृत हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है अंग्रेजी हिब्रू ग्रीक फ्रेंच एवं लैटिन भाषा का अध्ययन कर लिया था, ठीक है, मात्र 24 वर्ष के उम्र में ही, है ना। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था तोहफत उल मुवाहिदीन। क्या था?
तोहफत उल मुवाहिर दिन, इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका विरोध किया? मूर्ति की पूजा का विरोध किया और एक ईश्वर का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की पूजा करो, इस संसार में एक ही ईश्वर है, बहुत सारे ईश्वर नहीं है। और वो कौन है? आत्मा है, परमात्मा है ना। इससे पता चलता है कि थोड़ा सा राजा राम मोहन राय ईसाइयत के प्रति भी झुके हुए थे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म भी नहीं अपनाया। कुछ ईसाई को तो यहां तक लगा कि राजा राम मोहन राय ईसाई है, है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो थे कहते थे कि अगर हमारे संस्कृति में, हमारे सभ्यता में, हमारे धर्म में कुछ बुराई है तो हम उस बुराई को दूर करें और अच्छाई को अपनाने का प्रयास करें। अगर दूसरे के धर्म में कुछ अच्छाई है तो उस अच्छाई को हम लेकर के अपनाएं, है ना। उसके बाद 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना की। इससे पहले हुआ था क्या कि राजा राम मोहन राय जब इनके भाग गए थे नेपाल, तो नेपाल में ही ये कुछ दिन रहे। उसके बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के बाद ये नेपाल छोड़कर के घर आए और घर आने के बाद इन्होंने घर की स्थिति संभालने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लिया, है ना। किस में नौकरी ज्वाइन कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी में। और ये विलियम डिग्बी के सहयोगी बन गए, है ना। उसके बाद इन्होंने उसके साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया और तब जा करके आगे इन्होंने 1814 में लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकरी छोड़ दिया। आप समझिए कि जिस व्यक्ति के पास इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा, वो किसी के यहाँ नौकर बन के रहेगा, है ना। उसने नौकरी छोड़ दिया राजा राम मोहन राय ने, है ना। और उनको मिल गया एक सहयोगी जिसका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो देवेंद्र, उनको एक सहयोगी मिल गया, है ना, सॉरी द्वारकानाथ टैगोर, है ना। तो उस द्वारकानाथ, देवेंद्रनाथ के पिता थे द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। तो उनसे जो है इनका फंडिंग हो जाता था, है ना। और उन्होंने इनको समझाया, क्योंकि वो भी एक बहुत रईस आदमी थे, तो कहे कि क्यों ना समाज के भलाई का कार्य किया जाए। तब जाकर के 1815 में जो है आत्मीय सभा की स्थापना किया गया, है ना। किसकी स्थापना किया गया? आत्मीय सभा का स्थापना किया गया। और फिर जाकर के आप देखेंगे कि 20 अगस्त 1828 को, है ना, ब्रह्म सभा की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? ब्रह्म सभा की स्थापना होती है कलकत्ता में। कहे कि ब्रह्म समाज होता है, ब्रह्म समाज के रूप में नहीं हुआ था, यह हुआ था ब्रह्म सभा के रूप में। बाद में यही ब्रह्म सभा का नाम जो है पड़ गया ब्रह्म समाज, पड़ गया। क्या पड़ गया? ब्रह्म समाज पड़ गया, है ना। तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना हुई। यही ब्रह्म सभा आगे चल करके ब्रह्म समाज में बदल गया, है ना। इससे पहले 1817 में इंग्लिश स्कूल की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने, है ना। और 1825 में वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने और राजा राम मोहन राय का विचार समझिए, आज नहीं, ये उसी समय ये बता दिए थे कि पूरे विश्व के लिए एक संसद होनी चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संसद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय संसद होनी चाहिए, जो कि प्रत्येक विश्व के एक एक देश से एक एक संसद को ले लेकर के, है ना, बनाया जाना चाहिए, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसद कहा जाए, है ना। और इन्होंने बंगाली में पत्रिका निकाला 1821 में, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, है ना। और एक निकाला मिरातुल अखबार। क्या निकाला? मिरातुल अखबार, ठीक है। तो इनके द्वारा निकाला गया ये सब पत्रिका है। इसके कारण इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय कहा जाता है पत्रकारिता का अग्रदूत। अगर पूछे तो बताइएगा, है ना। इनको आधुनिक भारत का पिता, प्रभात नक्षत्र का तारा, है ना, ये सब नामों से जाना जाता है, है ना। और 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय क्या किए? सती प्रथा के अंत करवाने में जो है सो सफल हुए। और इन्हीं के प्रयासों से जो है सो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। कहे कि सती प्रथा क्या होता है? तो सती प्रथा समझिए, पहले क्या होता था कि जो महिलाएं, है ना, तो जब महिला का शादी होता था तो उसका पति जब मर जाता था, है ना, तो पति
कि चिता के साथ ही महिलाओं को भी उसी के चिता पे दफना दिया जाता था, ठीक है, उसको भी उसी अग्नि में जला दिया जाता था, उसी को कहा जाता था सती प्रथा। क्या कहा जाता था? सती प्रथा। तो इस प्रथा को जो है समाप्त करवाया गया किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा विलियम बेंटी के सहयोग से। कब किया गया? 1829 में किया गया, है ना। उसके बाद मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय, है ना। अकबर द्वितीय का अंग्रेज सब क्या कर दिया था कि पेंशन बंद कर दिया था, ठीक है, पेंशन बंद कर दिया था। तो उन्होंने राजा राम मोहन राय को उपाधि दिया था, किसको? राजा की उपाधि दिया था। और इसी के बात को लेकर के, इन्हीं के पेंशन के पैरवी को लेकर के ये गए थे इंग्लैंड, राजा राम मोहन राय, ठीक है। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और वहीं जाकर के इनकी जो है सो मृत्यु भी हो जाती है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु वहीं जाकर के हो जाती है 27 सितंबर 1833 में। 27 सितंबर 1833 में जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में, है ना। और इनका जो समाधि है वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर के आर्नोस बेल, है ना, आर्नोस बेल जो है कब्रिस्तान है, आर्नोस बेल कब्रिस्तान है। उसी आर्नोस बेल कब्रिस्तान में राजा राम मोहन राय का क्या है? समाधि है, समझे। वहीं पे राजा राम मोहन राय का जो है समाधि है। उसके बाद जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो इस समाज को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, ये इसका जो कार्यभार है ये महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर के ऊपर आ जाता है, है ना। और बाद में द्वारकानाथ टैगोर के जो बेटे रहते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, वो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर जो है अपने एक शिष्य आ जाती है द्वारकानाथ टैगोर पे, किस पे आ जाती है? द्वारकानाथ टैगोर पे। द्वारकानाथ टैगोर उसको देखते हैं, बाद में द्वारकानाथ टैगोर की भी मृत्यु हो जाती है ना, बाद में हम लोग पढ़ेंगे द्वारकानाथ टैगोर के बारे में। तो द्वारकानाथ टैगोर जो है ये इनकी भी मृत्यु जो है इंग्लैंड में ही हो जाती है, है ना। और उस समय लोग क्या करते रहते हैं कि विदेश जाना उचित नहीं समझते हैं, धर्म के खिलाफ समझते हैं, ठीक है। उन लोगों का मानना रहता है कि विदेश में जो भी जाता है उसके साथ अच्छा नहीं होता है। और राजा राम मोहन राय भी गए, वो भी विदेश से लौट करके नहीं आए, है ना। तो लोगों का अंधविश्वास इसे क्या हो गया? और ज़्यादा बढ़ गया। बाद में द्वारकानाथ टैगोर भी विदेश जाते हैं, वो भी लौट करके नहीं आते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की जिम्मेवारी जो है राजा राम मोहन राय के बाद द्वारकानाथ टैगोर पर, और द्वारकानाथ टैगोर के बाद जो है उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर के ऊपर गया, है ना। उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के एक शिष्य थे केशव चंद्र सेन, है ना, कौन थे? केशव चंद्र सेन। उन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। बाद में ब्रह्म समाज जो है कई बार टूट जाता है, है ना, कई बार टूट जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म समाज कैसे बनता है, कैसे टूटता है, है ना। उसमें द्वारकानाथ टैगोर की क्या भूमिका है, देवेंद्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका है, केशव चंद्र सेन की क्या भूमिका है, स्पेशल हम लोग ब्रह्म समाज पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है ना, तो घर से बाहर ना निकले, और बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है, तो आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, है ना, ज़रूर करवाइए, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, ज़रूर करवाइए। थैंक यू।